हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। दोस्तों, अब हम करने जा रहे हैं 13 सम, जो कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है। सारे सम्स जो मैं करवा रहा हूं, ये आपको मिस नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। सो 13 सम दो मार्क के लिए, ये रहा आपके सामने। टू डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टूगेदर। सबसे पहले दोस्तों, वेन टू डाइस आर टॉस्ड, सैंपल स्पेस क्या होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वेन टू डाइस आर टॉस्ड द सैंपल स्पेस आर, ठीक है। अब हम सैंपल स्पेस लिखने जा रहे हैं। एस आपका क्या क्या होगा, वन वन मतलब पहले डाई पे एक, दूसरे डाई पे एक, फिर वन कॉमा टू, वन कॉमा थ्री, वन कॉमा फोर, वन कॉमा फाइव, वन कॉमा सिक्स, समझ रहे हैं, ये आपका सैंपल स्पेस है। इसी तरह से आप पूरा लिखते जाओ, मैं लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। सो इतने सारे पॉसिबिलिटीज होंगे जब आप एक, आप दो डाइस टॉस करेंगे। सो आपको निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट मतलब का क्या होता है, दोनों डाइस पे सेम नंबर आना, ये है आपका डबलेट। सो हम लिखेंगे लेट ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट, ठीक है। सो देयरफॉर ए में कौन से आपके एलिमेंट्स बोलते हैं जो वो आएंगे, वो हो जाएगा वन कॉमा वन, फिर वन कॉमा टू, सॉरी टू कॉमा टू, फिर थ्री कॉमा थ्री, फिर फोर कॉमा फोर, फिर 5.5, फिर 6.6, ये 6 आएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं n of a इक्वल टू 6। सो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे आपका n of s क्या आया, n of s 36। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी p of a इक्वल टू n of a अपॉन n of s, तो ये हो जाएगा आपका 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इज 1/6। अब हम लिखेंगे बी, बी लेट बी द इवेंट, बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ 10 ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस। सो ऐसे कितने सारे पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगे। एन ऑफ बी, एन ऑफ बी नहीं, पहले तो बी लिख देता हूँ। बी जो है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखा देगा। तो ऐसे कितने मिलेंगे आपको, 4.6 मिलेगा एक तो, फिर 5.5 मिलेगा जो कि सम आपको 10 देता है, 6.4 देगा, दैट्स ऑल। इसके सिवा और कोई भी नहीं आएगा। तो आपका एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी विल बी 3, समझ में आ रहा है। और एक बार आपका एन ऑफ बी आ गया, सो देयरफॉर पी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। सो दिस इज इक्वल टू एन ऑफ बी इज 3, एन ऑफ एस 36, ये हो जाएगा 1/12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10 ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइस 1/2, समझ में आ रहा है। सो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का। मीनवाइल आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।